हमने अब तक 12वां अध्याय पूरा कर लिया है और आज हम 13वां अध्याय शुरू करते हैं। 13वां अध्याय हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंतर्गत हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, उसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के ठोसों के संयोजन से बनी आकृतियों के क्षेत्रफल। और यदि आपने हमारे जो पिछले वीडियो हैं 12वां अध्याय नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी एनसीईआरटी की पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जो शंकुआकार का है, यहाँ दिया शंकुआकार का है, यानी एक लट्टू है वो शंकु के आकार का उन्होंने दिया है, और इस पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी दो आकृतियों का संयोजन हो गया, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, और इसकी जो कंप्लीट ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। कंप्लीट ऊंचाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ तक की, और इसकी जो व्यास है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। तो हल देखते हैं। लट्टू का व्यास बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो लट्टू की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 3.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। शंकुआकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर कंप्लीट ऊंचाई में से हम इसकी जो त्रिज्या उसको घटा देंगे, तो 5 - 3.5 बटे में 2 अर्थात 35 बटे में 20 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 4 = 20, 4 इसका लघुतम है, तो 5 × 20 - 7 यानी 13/4, 4 × 12 = 8 × 4 = 20 यानी 3.25 सेंटीमीटर। अब हम इसकी तिरछी लंबाई चाहिए, तो तिरछी लंबाई L बराबर वर्गमूल h² + r² ये फॉर्मूला होता है। तो जो h की वैल्यू है वो हमने अभी निकाल ली है, ये 3.25, और इसका वर्ग प्लस जो त्रिज्या है वो है 3.5/2 या 35/20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है 35 का वर्ग होता है 5 × 25 और 3 × 4 = 12, 1225/20 जो 20 है उसका वर्ग हो जाएगा 400, और इसका वर्ग होगा 25 का 33 का गुणा कर देंगे तो 32 × 96 होते हैं, और 32 × 96 = 9 = 105 यानी 10.5625 प्लस 1225/400। अब इसका हम लघुतम ले लेते हैं तो ये हो गया 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, 4 × 6 = 24 और 1 = 25, 4 × 5 = 20 और 2 = 22 और 4 × 1 = 4, और इस पर जो दशमलव है वो 4 जीरो 4 के बाद 1 2 3 4 प्लस 1225, और जो दशमलव है यहाँ पर 2 जीरो इसके और आने थे, तो दशमलव हमारा फिर यहाँ से 1 2 3 4 यानी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, जो जीरोज हैं वो हट जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 42 25 और 1225, 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 5, 2 × 2 = 4 और ये 5450/400 वर्गमूल के अंदर 5450/400।
तो 400 का जो वर्गमूल है वो तो 20 आ जाएगा। अब इसका निकालना है 5450 का, तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। भाग विधि से ये हो गया 77 49, 14 में से 9 गए तो 5, और ये उतार लेंगे 550 हो गया। 7 × 2 = 14, 14 = 42, 14 × 4 = 56, तो 3 बार ही जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और 3 × 3 = 4। अब यहाँ पे 10 में से 9 गए तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पर 1 बच गया। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, 3 × 3 = 6, 4 और 1। अब इसकी वैल्यू 2 0 उतार लेंगे। अब यहाँ से 2 0 छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक ये, फिर एक और छोड़ेंगे तो लगभग 9 बार चला जाएगा मान लेते हैं। तो इसी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 73.9y20। तो यहाँ से 1 0 और आ जाएगा। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 × 3 = 6, 1 बच गया, 3 × 13 हो गए, 2 × 6 = 12, 1 बच गया, 19 हो गए, तो 2 × 9 = 18, और पॉइंट इसके बाद आ जाएगा। तो हम इसको लगभग 3.7 लिख सकते हैं, लगभग है ये। अब हमने संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंग किए जाने वाले भाग का या क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी 2πr² + शंकु का क्षेत्रफल πrl। तो यहाँ पर हमें पाई आर कॉमन मिल गया है, ये हो गया 2r + l। पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू है वो कितनी है, 3.5/2, 2 × 3.5/2 + 3.7, ये हम यहाँ निकाल चुके हैं सेंटीमीटर में। 2 से ये 11 बार कट गया और 7 से ये 0.5 बार कट गया, तो ये हो गया 11×55 यानी 5.5 गुणा में, इससे ये कट गया 7×5 = 12, 1 × 4 = 7, 7.2। अब इनका गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होगा 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज हमने पहला एग्जाम्पल समझा, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में आपसे अगले एग्जाम्पल के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।